हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शादाब ग्राफिक्स में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फोन में गूगल पे की आईडी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके गूगल पे को इंस्टॉल करते हो तो आपको पूरे 21 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप गूगल पे को डायरेक्ट ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे तो आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको थोड़े ही नीचे गूगल पे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक करके उसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जब भी आप अपने गूगल पे से पहला पेमेंट करोगे तो आपको पूरे 21 रुपीज का कैशबैक मिल जाएगा। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के और भी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको गूगल पे को किस तरीके से इंस्टॉल करना है, उसके लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहीं पे आपको थोड़े ही नीचे गूगल पे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करते ही आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना है, जो भी मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट से लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है, नहीं तो आप अपने गूगल पे में बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, आपका जीमेल ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसे यहाँ पर क्लिक करके चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आप क्लिक करेंगे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर। यह आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा अकाउंट ये वेरीफाई कर रहा है। ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, तब तक आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है और इसी तरीके के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर से जितने भी आपके बैंक अकाउंट लिंक होंगे वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपना गूगल पे अकाउंट पहले से ही क्रिएट किया हुआ था, इसी वजह से यहाँ पर दोनों अकाउंट शो हो रहे हैं। हो सकता है कि जब आप फर्स्ट टाइम गूगल पे को इंस्टॉल करोगे तो आपको अपना अकाउंट मैन्युअली ऐड करना पड़े, तो वहाँ पर आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको उस पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट ऐड कर लेने हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है एक्टिवेट माई अकाउंट पर। अब यहाँ पर आपको कुछ परमिशन देनी होगी, आपको इन्हें अलाउ करना है। फिर से आपको कुछ परमिशन देनी होगी, तो आपको अलाउ करते जाना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, आप पासवर्ड के लिए अगर आप अपना स्क्रीन लॉक यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना पासवर्ड के लिए नया पिन जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना नया पिन जनरेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा अपने स्क्रीन लॉक को, तो मैं इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, सक्सेसफुली मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर आप जितने भी लोगों से ट्रांजैक्शन करेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप किसी QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर में से किसी को पेमेंट करना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और आप इजीली किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी नए नंबर पर पेमेंट करना है तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, पे फोन नंबर। किसी बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, बैंक ट्रांसफ़र। इसी तरीके से आप अगर किसी का मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है। बिल्स पे करना चाहते हैं तो उसका भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अपने बैंक अकाउंट से अपने ही किसी दूसरे बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सेल्फ ट्रांसफ़र का। आप इस पर क्लिक करके अपने ही अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अपने किसी भी बैंक अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं जो आपने अपने गूगल पे में लिंक किया हुआ है। उसके लिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा व्यू अकाउंट बैलेंस। तो गाइज, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से अपनी गूगल पे की आईडी बना सकते हैं। गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी अपने गूगल पे की आईडी बना सकें। और इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।